हेलो वेलकम मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल SSTN पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को भूगोल के ऑल इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आप लोग को मैट्रिक परीक्षा 2022 में काफी सहायता मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन मतलब कि 2018, 2019, 2017 विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए हैं और इसको हम डिटेल से बताएंगे और आप लोग को समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। गैर आर्थिक कहने का मतलब है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि पंजीकृत नहीं है सरकार के द्वारा, ठीक है। ए प्राकृतिक संसाधन, बी वित्तीय संस्थाएं, सी पूंजी निर्माण, डी मानवीय संसाधन। तो गैर आर्थिक कहने का मतलब है कि जैसे कि NGO हो गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब मतलब कि ये कारक है। तो इसका मतलब कि आपूर्ति कौन करता है, मानव ही करता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, मानव संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पर चलते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, ठीक है। इसको तो मतलब याद रहेगा, इसमें जानने वाला कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा। ए नंबर में है कि 1 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 15 नवंबर 2000, डी 15 नवंबर 2001। तो हम बात करें कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध बना है किस नदी पर बना है। ए महानदी पर, बी गंगा नदी पर, सी कृष्णा नदी पर, डी कोसी नदी पर। तो हम बात करें कि हीराकुंड नदी है जो महानदी पर बना है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे लंबा बांध यही है हीराकुंड, जो आगे आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ठीक है। ए जमालपुर, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी पटना, ठीक है। तो रेलवे वर्कशॉप मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार में पहला स्थापित किया गया था 1860 में, जो है कि जमालपुर में स्थित है वर्कशॉप। फाइव नंबर क्वेश्चन है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, ठीक है। ए में पूर्णिया, बी में सिवान, सी में मुजफ्फरपुर, डी में पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में स्थित है, लेकिन हम जानते हैं कि तापीय विद्युत परियोजना क्या है। सबसे पहले बात करें कि तापीय विद्युत परियोजना है जो जीवाश्म के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। उससे जो तापीय विद्युत है ये यांत्रिक में परिवर्तन होता है, उसके बाद विद्युत बनता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर पर कि निम्न में से कौन आधात्विक खनिज है, ठीक है। तो सबसे पहले आधात्विक खनिज मतलब कि पहचानने से पहले हम बता देते हैं कि आधात्विक खनिज किसे कहते हैं। आधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें अधातु की मात्रा होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो चूना पत्थर, अवरक, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सब क्या है, अधात्विक का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन हम इसी में अगर आगे पूछ देता है कि धात्विक खनिज क्या है, धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है। जैसे एग्जांपल है इसका लौह अयस्क और मतलब कि मैग्नीज, निकल, ये सब लोहा, ये सब किसका उदाहरण हो गया, धातु धात्विक का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जानते हैं, ए सोना, बी टीन, सी अवरक, डी निकल। तो हम बात करके अभी ही बताए हैं कि अधात्विक अवरक होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर आंसर होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। ए लोहा, बी मैग्नीज, सी हीरा, डी सोना। तो हम बात करते हैं कठोर खनिज का, ठीक है। तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट, जो कार्बन के अनेक सारे बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, तो इसके कारण ही सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। हीरा इसका आंसर है, हीरा जो है आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए एट नंबर क्वेश्चन है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ए केरल में, बी गुजरात में, सी आंध्र प्रदेश में, डी छत्तीसगढ़ में। तो रबर की खेती बता दे कि भारत के केरल राज्य में की जाती है, और केरल के अलावा कौन कौन सा राज्य में की जाती है। एक है तमिलनाडु और दूसरा है कर्नाटक, ठीक है। इसका मतलब कि खेती एक प्रकार का पेड़ होता है रबर का, और उसके अंदर से मतलब कि एक छत टाइप का लगा दिया जाता है प्लेट, और उसमें व्हाइट तरल पदार्थ होता है जो उसे घामा में सुखाकर मतलब कि उसके बाद रबर की यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। ए में कर्नाटक,
बी में केरला, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम बात करें कि कान्हा है जो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक, ये तो जान गए। लेकिन कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है जो आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखे तो दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए 10 नंबर ईवीवीआई, इसलिए हम लिखे हैं कि विभिन्न मतलब कि शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, इसको तो आप लोग सब जानते होंगे, ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। तो मयूर को ही मोर कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर सी है। लेकिन इसका एडिशनल और नॉलेज जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी तो हो गया, लेकिन राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं, बाघ को, और राष्ट्रीय पेड़ क्या है या वृक्ष, बरगद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में ताप विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमने पीछे ही बताया था कि ताप विद्युत है जो जीवाश्म से प्राप्त होता है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी, यानी कि इनमें सभी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो हम पीछे बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, ए में तुंगभद्रा परियोजना, बी में हीराकुंड, सी में कोसी, डी में रिहंद। रिहंद देखे तो ये यूपी में है, उत्तर में, कोसी ये भी उत्तर में है, हीराकुंड देखे थे मतलब कि उत्तर पूर्व में है, ये उड़ीसा में स्थित, सबसे लंबी है, तो एक ही बचता है ऑप्शन तुंगभद्रा, ये दक्षिण भारत में है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर, डी कटिहार। तो ये आपको याद रहेगा, इसमें तो जानने वाला फैक्ट नहीं है, तो इसका आंसर जैसा कि बरौनी में ताप विद्युत है, इसलिए आंसर बी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। ठीक है, अग्रणी करने का मतलब प्रथम स्थान पर। ठीक है, ए है बांग्लादेश, बी है चीन, सी में इंडिया, डी में श्रीलंका। ठीक है, तो इंडिया है जो विश्व में सर्वप्रथम है, यानी कि पहला स्थान पर है। इंडिया जो विश्व का 60% जूट का उत्पादन करता है। बात करें कि जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कोची गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यह भारत के गंगा इलाका में और डेल्टा क्षेत्र में उत्पादन होता है जूट का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोर ऊन का स्रोत क्या है, ए भेड़, बी बकरी, सी खरगोश, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंगोर बता दें कि यह एक प्रकार का खरगोश की प्रजाति है जिससे ही ऊन प्राप्त किया जाता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, टर्की में। कहाँ, टर्की में, टर्की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, ए सतलज, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी रिहंद। ठीक है, सतलज है जो उत्तर भारत की है, नागार्जुन है दक्षिण भारत के, बी कृष्णा ये दक्षिण भारत के, इसलिए इसका आंसर बी होगा। सी बात करें नर्मदा, ये भी उत्तर भारत के है, उत्तर पश्चिम। डी बात करें रिहंद, ये भी उत्तर भारत की है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बात उठता है कि परियोजनाएं मतलब कि बांध बनाया क्यों जाता है। बांध इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ के आसपास इलाके वाले राज्य की सिंचाई बेहतर हो सके, और मतलब कि वहाँ पर्यटन हो सके और रोजगार उत्पन्न हो सके, इसलिए मतलब कि और बिजली उत्पादन हो सके। ठीक है, जिससे उद्योग का कारखाना अच्छा से चल सके, इसलिए परियोजना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, या बनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि परियोजना का उत्पादन मतलब बनाया क्यों जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रसिद्ध पर्व है, ए दुर्गा पूजा, बी छठ, सी दीपावली, डी इनमें सभी। तो बात करें सबसे इम्पोर्टेंट के तौर पर तो छठ है, लेकिन हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार तीनों धर्म मतलब की प्रसिद्ध पर्व है भारत बिहार के लिए, इसलिए इनमें से सभी। 18 क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केला उत्पादन के लिए। तो ये आपको डायरेक्ट अगर पता रहेगा, इसमें जानने वाला कोई बातें नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर डायरेक्ट पता रहेगा तो आप डायरेक्ट बनिएगा, ये भागलपुर, बी हाजीपुर, सी मुंगेर, डी नवादा। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, हाजीपुर में ये केला का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो केला क्या है, केला एक प्रकार का रोपनी फसल है जो एक ही टाइप का मतलब की पौधा रोपा जाता है एक एरिया में, फिक्स एरिया में,
तो उसे ही रोपनी फसल कहते हैं। तो केला एक प्रकार का रोपनी फसल है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, ठीक है। ए गंगा, ये तो बहती है बिहार में। कोसी, ये भी बिहार में बहती है। तो कोसी बहती है जिसके कारण बिहार का शोक कोसी को ही कहा जाता है, ठीक है। सी गोमती, गोमती बात करें ये यूपी में बहती है, यूपी जो लखनऊ है, जो लखनऊ जगह का नाम है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। डी गंडक, ये भी बिहार में बहती है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। ए में मैग्नीज, बी में टीन, सी में लोहा, डी में बॉक्साइट। ये तीनों ऑप्शन देखे थे, ये लोहा से मतलब कि लोहा यानी मैग्नीज का एस्क है, ठीक है, ठीक। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है डी, बॉक्साइट, जो है कि अल्मोनियम का एस्क है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर पर इन्नौर पतन स्थित है। ए गुजरात में, बी गोवा में, सी तमिलनाडु में, डी कर्नाटक में। बात करें कि इन्नौर जो है पतन कहाँ, पतन करने का मतलब बंदरगाह, बंदरगाह मतलब कि जहाँ से ये बड़े बड़े जहाज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार के लिए जाते हैं, ठीक है। गुजरात में बात करें तो यहाँ पर कांडला एयरपोर्ट पोर्ट है यानी पतन है, ठीक है। गोवा में बात करें तो माड़मा गांव है, ठीक है। तमिलनाडु में बात करें तो इन्नौर और तूतीकोरिन दोनों पतन तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। डी बात करें कर्नाटक में तो न्यू मंगलुरु पतन स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस नगर को भारत की सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकन वैली, सिलिकन वैली यह यूएसए का एक जगह है, ठीक है, जहां बड़े बड़े कंपनियों का क्या है ऑफिस या हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। तो भारत में सिलिकन वैली कहाँ है यानी कि आईटी हब, ए में बेंगलुरु, बी में हैदराबाद, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो भारत में बात करें तो बेंगलुरु में स्थित है, यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियों का हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हमने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि पेरियार केरल में स्थित है, कहाँ, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में किसमें वनों का सर्वाधिक अधिक विस्तार है। ए केरला में, बी कर्नाटक में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। देखें तो केरला मतलब कि ये छोटा सा एक राज्य है ऐसा, ठीक है, केरला। कर्नाटक भी एक छोटा सा राज्य है ऐसा। मध्य प्रदेश देखें तो मध्य मतलब बीच में है स्थित, ये बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, राजस्थान के बाद है सबसे बड़ा। डी उत्तर प्रदेश भी कवर करता है लेकिन सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। टेक्सोल का उपयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेक्सोल क्या है। टेक्सोल का बात करें तो हिमालय यानी हिमालय इलाका में और पहाड़ी इलाका में जो चीर के पेड़ होते हैं, चीर के पेड़ उसके छाल, पेड़ पत्ते और उसके जड़ से एक टेक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है जिससे कैंसर का उपचार किया जाता है, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। ए बिहार शरीफ, बी राजगीर, सी गया, डी बांका, ठीक है। तो बिहार में रज्जू मार्ग स्थित है राजगीर, यहीं पर विश्व शांति स्तूप है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है यानी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। गोविंद सागर जो किस पर है, रिहंद बांध पर है, लेकिन संबंधित है, संबंधित है भाखर नंगल बांध से भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो कारण जानने से पहले हम जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है, ठीक है। भूमि निम्नीकरण उसे कहते हैं जैसे कि पेड़ पौधे और फसलों के विकास में जो प्राकृतिक तत्व का कमी होती है उसी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। तो पंजाब बात करें तो एक प्लेन क्षेत्र है। प्लेन क्षेत्र कहने का मतलब कि वहाँ कृषि करने के लिए पर्याप्त भूमि यानी कि अच्छा भूमि है, ठीक है। तो कृषि होगा जहाँ पर तो अत्यधिक सिंचाई भी होगी, अत्यधिक सिंचाई के कारण ही मतलब कि भूमि निम्नीकरण होता है, वहाँ पर अच्छा कृषि के लिए माना जाता है पर्याप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपनी कृषि प्रचलित है। ये हरियाणा में, बी पंजाब में, सी बिहार में, डी उत्तराखंड में, ठीक है। तो बात करते हैं कि स्वप्नी कृषि किसे कहते हैं, स्वप्नी या सीढ़ीदार खेती, जैसे कि ऐसे है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती करने का मतलब है जो हिमालय इलाका में है, ठीक है। हिमालय इलाका कहने का मतलब कि जो ढलाव क्षेत्र होता है इसे, ठीक है।
तो उसमें अगर खेती नहीं, खेती के लिए पर्याप्त किया गया स्वप्निक कृषि, अगर खेती अगर सही किया जाता है तो सब तो पानी नीचे चलाएगा, सब पानी नीचे चलाएगा तो जिसके कारण फसल नहीं विकसित होगा, तो फसल नहीं विकसित होगा। इसके लिए विकसित करने के लिए कृषि में एक सोपनी या सीढ़ीदार खेती का निर्माण किया गया है, विकास किया गया, जिसमें पानी यहाँ से चले तो यहाँ कुछ टिके, फिर चले तो यहाँ कुछ टिके, फिर चले तो यहाँ कुछ टिके, जिसके कारण वहाँ में फसलों में वृद्धि हुई और वहाँ के लोग इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, तो बात करें कि सोपनी कृषि कहाँ है, यह पहाड़ी इलाका में बात करें तो यह पहाड़ी इलाका न हरियाणा है, न पंजाब है, न बिहार है, भी उत्तराखंड, ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, भी काली मिट्टी, सीजलोर मिट्टी, टी लेटराइट मिट्टी। तो बिहार में बात करें तो जलोर मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये काफी ही उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, ये पतंजलि को, भी चरक, सी सुश्रुत, दी इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ठीक है, 32 से नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीवीआई है, विभिन्न शिफ्टों में पूछा गया, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, ए 15, बी 20, सी 18, डी 7%। तो बिहार में बात करें कि झारखंड के अलग हो जाने से 7% ही वन क्षेत्र बचा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, ए मैग्नेटाइट, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट, डी चूना पत्थर। तो चूना पत्थर अभ्रक की तो अधात्विक है, यानी कि अधातु, बॉक्साइट देखा था कि अल्मोनियम का है, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो मैग्नेटाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 नंबर की सबसे घटिया कोयला है, इसको घटिया कोयला बताने से पहले हम कोयला का पूरा डिटेल बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि कोयला का चार प्रकार होता है। ठीक, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिगनाइट, पिट। ठीक है, एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम कोयला का प्रकार माना जाता है, इसमें 90% कार्बन की मात्रा होती है, 90%। यह मतलब कि कोकिंग कोयला भी कहा जाती है, यानी कि जो धातु को गलाने में काम आता है। ठीक है, बी इसमें जैसे कि बात करें कि 70-90% कार्बन की मात्रा होती है, भारत में अधिकतर यही टाइप की कोयला पाया जाता है। ठीक है, सी बात करें तो इसमें 30-70% के बीच में कार्बन की मात्रा होती है, इसमें धुआं मतलब कि ज्यादा देता है, उसमें कम देता है। पीट बात करें तो इसमें 30% से कम कार्बन की मात्रा रहती है, कम यानी कि नीचे। ठीक है, ये तरलीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, चलिए समझा इसका आंसर कौन सा घटिया में, तो घटिया यही है डी पीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 35 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन रोपनी फसल नहीं है। रोपनी फसल कहने का मतलब है कि जैसे कि एक बहुत बड़े एरिया में केवल एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, ये वाणिज्य फसल भी कहते हैं। इसका मेन मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। ठीक है, तो रबर का बात करें यह भी रोपनी फसल है, गन्ना भी रोपनी फसल है, धान रोपनी फसल नहीं है, चाय भी रोपनी फसल है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। खाद्यान्न फसल प्रमुख करने का मतलब कि सबसे ज्यादा पसंद किसे करते हैं, कौन सा फसल को, ए गेहूं, बी मकई, सी जौ, डी धान। धान या चावल भारत की प्रमुख फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। ठीक है, बिहार कृषि प्रदेश देश है, तो यहाँ पर 60% कृषि क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है, बिहार राज्य मतलब कि उद्योग प्रधान है, बी पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है, डी कृषि प्रधान है। तो बात करें तो उद्योग तो यहाँ पर मतलब उतना ज्यादा मात्रा में नहीं है, पशुपालन होता है लेकिन उतना मात्रा में, खनिज तो केवल एक ही है बालू प्रचुर मात्रा में, लेकिन उतना भी नहीं है खनिज पर, डी कृषि प्रधान बात करें तो ये भारत बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं, ये तो आप सब लोग को पता हो कि 38 जिले हैं, इसको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादन के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई भी कृषि से रिलेटेड है, ठीक है, वस्तु उसको मतलब कि ओरिजिनलिटी मतलब कि ओरिजिनल पहचान देने के लिए एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। किसका, एक मार्क का, ये सुनिश्चित करता है
कि ये ओरिजिनल सामान है। हॉलमार्क के बात करें तो ये आभूषण में प्रयोग किया जाता है ओरिजिनलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत ए पटना, बी नवादा, सी मुंगेर, डी नालंदा। बात करें ककोलत जो है ये नवादा में है। लेकिन जलप्रपात किसे कहते हैं, जैसे कि चट्टान के ऊपर से जैसे कि पानी नली नुमा आकार का जो गिरता है उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि नेक्स्ट कि किस देश की सीमा भारत से जुड़ी हुई। ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो बात करें कि बिहार से सटी हुई देश है सीमा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल मतलब कि जान लेते हैं क्या है। ये बात करें तो मतलब कि जो बरसात सीजन में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटा जाता है, इसका एग्जांपल है जैसे कि धान, धान मकई। ठीक, ये सब क्या है, एक प्रकार का इसका उदाहरण है खरीफ फसल का। तो इसका जैसे कि गेहूं बात करें तो मतलब कि ये रबी फसल है, तेलहन भी बात करें तो ये भी रबी फसल है, जौ भी बात करें तो ये भी रबी फसल है, तो धान बचता है जो खरीफ फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड, तो आप लोग जैसे कि फ्लड मतलब तो बाढ़ होते हैं, तो आप लोग देख के मार दीजिएगा कि बाढ़ से नियंत्रित है, तो ये गलती हो जाएगा। बी डेयरी विकास, ये डेयरी विकास से संबंधित है। बात कर रख रखा, बात से नहीं समझ के बात का मार दीजिएगा। ठीक है, डेयरी विकास है इनका मतलब कि कौन मतलब कि अति किया था डोमिनेट। ठीक है, वर्गीस कुरियन ने इसका लीड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। तो प्रथम सूती मिल बम्बई में यानी कि मुंबई में की गई थी 1854 ईस्वी में। ठीक है, तो बात करें कि सूती कहाँ पर मतलब कि ये काली मिट्टी में होती है, जिसके कारण मतलब कि मुंबई और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, उसके कारण यहाँ सर्वप्रथम लगाया गया था। ठीक है, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध, तो वो हम पीछे बताए थे कि हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। सोना, तांबा, लोहा, मैंगनीज। तो इसका जैसे उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है, क्योंकि हर एक उद्योग में आप देखे होंगे कि छोटा से छोटा पार्ट में भी लोहा लगा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार। तो पीछे हम पूरा डिटेल में बताए थे कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट है, अब खराब कोयला का प्रकार पीट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 गंडक परियोजना है कहाँ मतलब कि स्थित है। ये बेतिया से, बी वाल्मीकि नगर में, सी मोतिहारी, डी छपरा में। ठीक है, तो गंडक परियोजना बात करें तो वाल्मीकि नगर में स्थित है, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। ए भागलपुर में, बी मुंगेर, सी बांका, डी मुजफ्फरपुर में। तो बात करें तो कहलगांव जो है भागलपुर में स्थित है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, ये विभिन्न शिफ्टों में पूछा गया कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ए 55%, बी 60%, सी 65%, डी 70%। इसका बात करें तो मतलब कि कितना प्रतिशत है, सबसे ज्यादा मतलब कि मानव शरीर में अगर पानी रहेगा तो मानव बैलेंस रहेगा। तो बात करें कि इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ये चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लॉयस्क। ठीक, बॉक्साइट तो अल्मोनियम का है, लॉयस्क तो मैग्नीज या मैग्नाइट का है, डी ग्रेनाइट नहीं है, इसका चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, यही भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। ठीक है, बात करते हैं कि डॉल्फिन जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का उपाधि दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य एक ही है जो है झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम लौह इस्पात उद्योग है कौन था। भारत लौह और इस्पात उद्योग, बी बोकारो स्टील, सी भिलाई, डी इसमें गलती से लिखा गया है
डी लिखते हैं कि टाटा आयरन आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। यही कंपनी है जो मतलब कि सर्वप्रथम खोला गया था कब, 1907 में, किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा, जो आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, ए रेलवे से, बी सड़क मार्ग से, सी जल मार्ग से, डी वायु मार्ग से। तो ये संबंधित है सड़क मार्ग से, ठीक है। लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज इसे मतलब कि क्यों कहा गया, यानी क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा गया। तो हम बात करते हैं, यहाँ दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, दिल्ली मुंबई मुंबई, यहाँ बात करें तो तमिलनाडु तमिलनाडु, यहाँ बात करें कोलकाता। ये क्वाड्रिलेटरल का शेप बनाता है, ठीक है, जिसके कारण ही इसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है, ठीक है। बात करें तो ये मतलब कि पूरे देश को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, ए उड़ीसा में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। तो ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। सुंदरबन है ये कर्नाटक में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरला में, डी महाराष्ट्र में। तो ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंग्रोव सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, मेट्रो सबसे पहले मतलब कि कोलकाता में हुई थी शुरुआत, ए धनबाद, बी दिल्ली, सी रायपुर, डी गुवाहाटी। इसमें से कहाँ पर मतलब कि है, तो इसमें देखे तो दिल्ली है जो मेट्रोपोलिटन सिटी है, ठीक, महानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निम्न में से कौन रबी फसल है, ठीक है। तो रबी फसल जान लेते हैं कि कब बोया जाता है। रबी फसल है जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और इसे अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे गेहूं, जौ, मटर, तिलहन, ये सब क्या है, रबी फसल का एग्जांपल है। तो हम देखते हैं कि ज्वार ये तो खरीफ फसल है, धान ये भी खरीफ फसल, गेहूं ये रबी फसल है, जूट ये भी एक प्रकार का खरीफ फसल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बात करते हैं, जैसे रबी और खरीफ के बीच में एक होता है जायद, इन दोनों के बीच में बोया जाता है, जैसे कि लतरीला फसल होता है, जैसे कि खरबूजा, तरबूजा, कद्दू, नेनुआ, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो अभी हम पीछे बताए थे जमशेदजी टाटा ने 1907 में किए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, ए पटना, बी भागलपुर, सी हाजीपुर, डी दरभंगा। तो बात करें तो पटना सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। ये सब भी भी आई है, ये भी 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 आई है। भी भी आई करने का मतलब है कि ये विभिन्न शिफ्टों में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, ए वैशाली में, बी बेगूसराय में, सी भागलपुर में, डी दरभंगा में। तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में स्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है, ए डिगबोई तेल के लिए जाना जाता है, झड़िया कोयला के लिए, घाटसील भी कोयला के लिए, जादू गोड़ा है जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, उजला ग्रह तो नहीं कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी है चार भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है, एक ही भाग में क्या है, केवल अस्थल है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर चारों तरफ से मतलब कि पानी से घिरा हुआ है, उसके कारण ही नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह जो कहा जाता है ये मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, डी हड़प नहीं किसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है कौन सा नहीं है, ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण, प्राथमिक मतलब कि पहले कौन सा मतलब कि उपयोग नहीं किया जाता, इसमें तो विद्युत
आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजीव गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो इस तो आप लोग पटना वाले परिचित हो गए कि ए राजगीर या बी बोधगया सी बिहार शरीफ। संजीव गांधी पटना राज्य में, पटना जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। सूती, ये तो कृषि पर आधारित है। सीमेंट, ये नहीं है। चीनी भी देखे तो कृषि पर आधारित है और जूट भी देखे तो ये कृषि पर आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चावल है, ठीक है, तो हमने पीछे ही बताया था कि चावल कैसा है, खारिफ फसल है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 31 नंबर है कि जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था, ये कब किया गया था, 1988 में या 1989 में या 1990 में या 1991 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में किया गया था। ठीक है, 72 है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ए राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, सी राजमार्ग संख्या 5, डी राजमार्ग संख्या 7। तो राजमार्ग संख्या 7 है जो सबसे लंबा है, यह मन्नार से लेकर पंजाब तक स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा होती है, ये पूर्णिया में, चेरापूंजी में भी, सी में कोच्ची में, डी मानसीरा में। तो ये सर्वाधिक वर्षा जैसे कि पहले होता था चेरापूंजी में, लेकिन अब होता है मानसीरा में, मतलब कि इसका कारण बताते हैं। जैसे कि मेघालय है तो यहाँ पर 3 पहाड़ियां है, एक ठो गाढ़ो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं जो इस शेप का आकार का है। यहाँ पर जितना भी एयर जाता है ये सब फंस जाता है, उसके कारण वर्षा बनाने के लिए अनुकूल हो जाती है जो हवाएं होती है, इसके कारण ही सबसे ज्यादा मानसीराम में मेघालय में स्थित है, वहीं पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल किस अंश का है। तो दाल आप लोग जानते होंगे कि प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए। ए चीनी के लिए, बी सीमेंट के लिए, सी अखबारों के लिए, डी सूती कपड़ा। सूती कपड़ा तो नहीं होगा क्योंकि ये मुंबई गुजरात में होता है, अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है मंदार हिल किस जिले में स्थित है। ए मुंगेर में, बी भागलपुर में, सी बांका में, डी बक्सर में। तो मंदार हिल जो है ये बांका में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ए मुंबई, बी भागलपुर, सी बांका, डी बक्सर। देखे तो मतलब कि ये सब तो यहाँ पर मतलब पाया ही नहीं जाता है बंदरगाह। ठीक है, तो एक ही जगह पाया जाता है, ये मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में होता है। ए चीन में, बी जर्मनी में, सी जापान में, डी रोम में। आप लोग जानते होंगे तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ है, चीन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो हमने बताया था कि काली मिट्टी जो है मतलब कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, काली मिट्टी को और एक नाम से जाना जाता है, इसको रेगुर कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ए उष्ण, बी शीतोष्ण, सी उष्ण आर्द्र, डी उष्ण शुष्क। इसका आंसर होगा उष्ण आर्द्र। चावल के लिए खेती के लिए पर्याप्त उष्ण आर्द्र जो है क्लाइमेट यानी जलवायु माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ए सड़क, बी जल, सी रेल, डी वायु। वायु तो ऐसे ही महंगा है, इसमें लोडेड मतलब कि ढेर सारा सामान ले जा सकते हैं, इसमें ले जा सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू जल से महंगा है। जल में देखे तो इसमें गाय भैंस ट्रक टेम्पू सब चीजों को मतलब कि ले जा सकते हैं, इसलिए ये काफी सस्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हॉलमार्क का कोई वीवीआई है, विभिन्न शिफ्ट में पूछा गया कि हॉलमार्क में किस वस्तु के लोगो मतलब चिन्ह लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कृषि उत्पाद में तो हमने बताया था कि एक मार्क के भी सोने के आभूषण में ही हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रिक और इनमें से कोई में। हॉलमार्क में मतलब कि देखे होंगे कि सोना जो बनता है ओरिजिनल होता है, उसमें हॉलमार्क मारा रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है। ए में बॉम्बे है, बी में अंकलेश्वर, सी में नवगांव, डी में डिगवई। ये सब देखे तो तेल भंडार है, लेकिन सबसे पुराना है जो डिगवई जो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपयोग उपभोक्ता
है। ए पेट्रो रसायन, डी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी चितरंजन लोकोमोटिव। उपभोक्ता करने का मतलब जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, वस्तु हम यूज करते हैं, जैसे आम आदमी। तो ई पेट्रो तो मतलब हम सबका यूज में नहीं, लोहा मतलब कि डेली लाइफ में उपयोग करके अपने चीजों को उपयोग में लाना, ये नहीं है। चीनी उपयोग ये डेली लाइफ में हम लाते हैं, ठीक है, इसलिए ये उपभोक्ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। इसमें बात करें तो सौर ऊर्जा का मतलब कि सर्वाधिक विकास की संभावना राजस्थान में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा उसके अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ई वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि विभिन्न शिफ्टों में पूछा गया। ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। तो पंडित नेहरू ने भारत के जैसे बांधों से जो विकास हो रहा था उसको देखते हुए मतलब पंडित नेहरू ने कहे थे कि मतलब कि भारत बांधो भारत की मंदिर है, ठीक है। जैसे कि सब हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। बेगूसराय में, कहाँ? बेगूसराय। पक्की सड़कें सबसे ज्यादा भारत में कहाँ है? महाराष्ट्र में। हमने जितना सारा ये सब क्वेश्चन बताए, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग ये सारे क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर यहीं से मिलेगा। हमने पूरा डिटेल में भी बताने का प्रयास किया है, जहां जहां डिटेल मतलब कि जानने वाला चीजें था। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मतलब कि शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, और कमेंट जरूर से जरूर करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। जय हिंद।